तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो। करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पॉइसन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ ईटा ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो तुम वाई जो होता है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस जो है कैसे रिलेटेड है भाई बल्क मॉडुलस से। तो आप फॉर्मूला ये रटा रटाया पड़े होगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो टू टाइम्स सिग्मा ये वाला, और यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस के साथ ऐसे रिलेटेड है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ टू टाइम्स ईटा वन प्लस सिग्मा के साथ रिलेटेड है पॉइसन रेशियो इक्वेशन नंबर टू। तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला अगर याद है तो तभी ये इक्वेशन तुम सॉल्व कर पाओगे मेरे रिलेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड से तुम देख रहे हो तो थ्री टाइम्स के वन माइनस टू टाइम्स सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू टू टाइम्स ईटा वन प्लस सिग्मा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्री के माइनस सिक्स के सिग्मा यहाँ से और टू ईटा प्लस यहाँ टू ईटा सिग्मा के बराबर है। तो अगर तुम देखो कि यहाँ से सिग्मा निकालना था तो ये थ्री के माइनस टू ईटा और यहाँ से सिग्मा बाहर आ गया और यहाँ से टू ईटा प्लस सिक्स के बच गया। तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री के माइनस टू ईटा एलजेब्रा यार सिंपली सिक्स के प्लस टू ईटा के बराबर आ जाएगी। दिस इज द फाइनल सोलूशन। इस हिसाब से तुम देखोगे तो थ्री के माइनस टू ईटा और सिक्स के प्लस टू ईटा, थ्री के माइनस टू ईटा और सिक्स के प्लस टू ईटा, थ्री के माइनस टू ईटा, तो ये थ्री के माइनस टू ईटा है यहाँ से, थ्री के यहाँ से तुम देखोगे थ्री के माइनस टू ईटा। तो यहाँ से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करा लेकिन यहाँ माइनस दिया है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।